वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं, तो जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं बीइंग टेक्निकल इंडियन यूट्यूब चैनल दोस्तों, जहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, नॉन टेक्निकल वैकेंसी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैकेंसी, कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये सारी चीज़ें जो है बताई जाती है। तो वीडियो को अगर आपने पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं जो वैकेंसी है ये कहाँ पे आई है। ये जो है दोस्तों केरल मिनरल्स एंड मेटल लिमिटेड में जो है वैकेंसी आई है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट है दोस्तों, जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 34 वैकेंसी हैं, जूनियर बॉयलर कम यूटिलिटी ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनी के लिए 5, जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए 8 वैकेंसी और मशीनिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। दोस्तों इनिशियली इसमें जो है आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है आपको यहाँ पे परमानेंट कर जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों आपको बहुत सी सुविधाएं भी यहाँ पे मिलेंगी, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए जो है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और डिग्री इन केमिस्ट्री, यानी कि बीबीटेक के कैंडिडेट और या फिर बीएससी के कैंडिडेट केमिस्ट्री वाले जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। यूटिलिटी ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए दोस्तों डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है। इन दोनों में से अगर आपका कोई भी है तो आप जो यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी पोस्ट टेक्नीशियन वेल्डर के लिए आपको आईटीआई रिक्वायरमेंट है, फिटर के लिए भी आपको आईटीआई इन फिटर रिक्वायरमेंट है, जूनियर मशीनिस्ट ट्रेनी के लिए जो है आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर आईटीआई रिक्वायरमेंट है मशीनिस्ट और टनल में। दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट जो है यहाँ पे 26 साल रखी गई है। बाकी जो रिलैक्सेशन है जैसे एससी एसटी या ओबीसी के लिए, वो जो है आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे रिटन टेस्ट किस प्रकार का होगा और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो यहाँ पर जो है आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर जो है सिलेक्शन होगा। देन दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपके डिप्लोमा में कितने परसेंटेज रिक्वायरमेंट हैं। तो आपको जो है यहाँ पे 60% जो है मिनिमम लेके आए होंगे, तब जाके आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। थोड़ा सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग मंथली स्टाइपेंड है आपका 10,000 दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे जो आपका इनिशियल बेसिक पे है दोस्तों 21,580 रुपये पर मंथ रहे। तो इसको मिला के अगर ग्रॉस पे की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी बनेगी दोस्तों 28,000 पर मंथ बनेगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बहुत सारी अलग फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं वो यहाँ पर दी जाएगी। देन दोस्तों यहाँ पर अगर बात किया जाए कि कैसे जो है फॉर्म को फिलअप करना है, तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप जो है इसके डिटेल में जान सकते हो। तो इसमें जो है देखो आपको करना क्या है, इसमें जो है आपको ऑफलाइन फॉर्म है इसको फिलअप करके, ये जो एड्रेस दिख रहा है हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट द केरल मिनरल एंड मेटल लिमिटेड PB No. 4, यहाँ पे जो है आपको सेंड कर देना है। तो ये एड्रेस का सेंड करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों 19 नवंबर से पहले जो है आपको वहाँ पे सेंड कर देना है। और अपनी एप्लीकेशन जो फॉर्म है दोस्तों उसमें जो टॉप है इनवलप है उस पर लिखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्या इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो दोस्तों ये जो है इसका फॉर्मेट है जिसको आपको डाउनलोड करके इसको फिलअप कर लेना है, और जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसे फिलअप करके आपको मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले एड्रेस दिखाया उस एड्रेस पर जो है सेंड कर देना है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो पूछी गई है यहाँ पे आप उसको फिलअप कर लीजिए, और ये जो फॉर्म है इसको फिलअप करके डिज़ायर एड्रेस पे जो है सेंड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी और इम्पॉर्टेंट डेट की। तो दोस्तों ये फॉर्म मैंने आपको बता दिया है 19 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये का है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ले जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको पेमेंट करनी है आपको डीडी के फॉर्म में जो है पेमेंट करनी है, और डीडी का जो फेवर रहेगा किसके फेवर में बनाना है, तो इसमें जो है केरल मिनरल्स एंड मेटल लिमिटेड पेबल एट चवारा डिस्ट्रिक्ट, ये जो है यहाँ पे जो है लिखा हुआ है इस पे जो है आपको देखना है और यहाँ पे जो है बनाना है। इसके रिगार्डिंग जो है डीडी आपको बनवानी है 300 रुपये का बैंक में जाके। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हो इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, आप जो है लिंक को क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को यहाँ पे फिलअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर का, उसको क्लिक करके आप जो है डिटेल में जान सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है अदर वैकेंसीज़ देखनी है तो आप जो है quicktechd.com, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इस वेबसाइट पर और डिटेल में इन्फॉर्मेशन बहुत सारी वैकेंसीज़ पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।